हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द डेरीवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मैथड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया जाता है बाई यूजिंग ग्राफिकल मैथड ना ऑल द थ्री इक्वेशन आर डिराइव बाई यूजिंग द विलोसिटी ग्राफ इसके लिए हमें विलोसिटी ग्राफ यूज करना है दैट इज विलॉसिटी ऑन द वाई एक्सेस एंड टाइम ऑन द एक्स एक्सेस और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें इसमें वेलोसिटी को कभी भी जीरो कंसिडर नहीं करना है दैट इज एट टाइम टी इक्वल टू जीरो देयर इज सम वेलोसिटी एंड दैट इनिशियल वेलोसिटी इज नोन एज यू सो कंसिडर अ सिचुएशन वेन टाइम इज इक्वल टू जीरो द वेलोसिटी इज यू एंड व्हेन टाइम इज टी फॉर एग्जाम्पल कंसिडर्ड एनी टाइम टी हेयर फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पोजिशन वैन टाइम इज टी देन दैट विलॉसिटी इज नोन एज अ फाइनल विलॉसिटी फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस पॉइंट सो दिस विल बी हेयर सो अगेन आई एम रिपीटिंग हमें ग्राफ लेना है जिसमें इनिशियल विलॉसिटी को जीरो कंसिडर नहीं करना है जीरो मतलब ये वाला पॉइंट हुआ दैट इज ओ पॉइंट हेयर इज द जीरो हेयर बट हमें इनिशियल विलॉसिटी को जीरो नहीं कंसिडर करना है वो कुछ इनिशियल वैल्यू है उसकी जिसे हम लेट कर रहे हैं यू एंड देन आफ्टर समाइम टी velocity increases to point v here v here which is this is point so ab hum ek line draw karenge joining these two points here like this ab ek dotted structure banayenge yahan tak और इस U वाले point को मैं अभी marking दे रही हूँ A here. Similarly इस point को मैंने marking दी B इस पॉइंट को टी पॉइंट को मार्किंग में दिया सी और ये जब ए वैल्यू इस बी सी लाइन को मीट किया तो इस पॉइंट को बोला गया डी सो so, अगर मैं रिप्रेजेंट करूं बी सी किसके इक्वल है बी सी इक्वल है बी डी प्लस डी सी है बी सी इक्वल है बी डी प्लस डी सी ठीक है अब अगर मैं बी की वैल्यू बोलूँ तो टोटल बी सी की वैल्यू कितनी है बी और सी ये बिल्कुल पैरल है इस लाइन के दैट इज़ दस पॉइंट तो वो इक्वल है वी के सिमिलरली बी डी को अभी हम एक तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं कि बी डी कितना है और डी सी जो डी सी है वो पैरल है दस पॉइंट के ओ यू वाला जो ओ ए वाला पॉइंट है तो डी सी की जगह मैं ओ ए की वैल्यू लिख सकती हूँ क्योंकि ये दोनों आपस में बिल्कुल पैरल हैं दीज टू लाइन्स आर कंप्लीटली पैरल टू ईच अदर सो ओ ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज यू क्योंकि ओ ए की वैल्यू क्या है यू प्लस बी डी विच इज इक्वल टू बी है सो फाइनली बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू ठीक है ये बी डी है अगर मुझे ये वैल्यू भी निकालनी है तो हम इजिली कैसे निकाल सकते हैं इस पूरे टोटल में से इतने को माइनस करके टोटल कितना है वी और ये कितना है दिस पॉइंट यू सो बी डी किसके इक्वल हुआ वी माइनस यू के सो अभी तक इस ग्राफ में हमने वैल्यू कैलकुलेट की है बी डी की जो इक्वल है वी माइनस यू के नाउ सिमिलरली ए डी किसके इक्वल है ए डी इक्वल है इस पॉइंट के ओ सी के और उसकी वैल्यू कितनी है टी तो वी कैन से ओ सी इक्वल है द वैल्यू टी नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सिलेशन एक्सिलेशन इज इक्वल टू चेंज इन विेंज इनोसिटी पर यूनिट टाइम ठीक है तो अब अगर हम यहाँ पे चेंज देखें तो विलॉसिटी का चेंज कितना है बी डी का है क्योंकि इनिशियली यू थी फाइनली वी हुआ तो चेंज कितना आया बी डी और टाइम कितना हुआ ए डी हेयर So, हम ऊपर से वैल्यू पुट कर देंगे BD की वैल्यू कितनी है वी माइनस यू और AD जो है AD डी इज इक्वल टू ओ सी विच इज टी हेयर सो इट विल बिकम वी माइनस यू बाई टी विच इज इक्वल टू एक्सलेशन हेयर नाउ फ्रॉम हेयर वी कैन राइट डाउन इक्वल टू वी माइनस यू टी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम को इस साइड लेके गए और वी कैन राइट इट लाइक एज वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अभी डिराइव कैसे की गई हमने ग्राफ कंसिडर किया वेलोसिटी वर्सेज टाइम ग्राफ जिसमें इनिशियल विलोसिटी को यू कंसिडर किया गया है ज़ीरो नहीं ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमने इसको जीरो नहीं कंसिडर करना है इसकी एक इनिशियल वैल्यू रखनी है दैट इज़ एट टाइम इक्वल टू जीरो इनिशियल वेलोसिटी इज यू एट टाइम इज इक्वल टू टी द फाइनल वेलोसिटी इज वी सो द स्लोप विल गिव अस दैट इज दिस स्लोप विल गिव अस द एक्सेलरेशन अब इसके लिए हमें चाहिए इस पूरी के value, BD की वैल्यू बी डी की वैल्यू सो बी डी फाइंड आउट करने के लिए हम पहले बी सी की वैल्यू लेंगे बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी जिसमें डी सी इक्वलेंट है यू के और बी सी इक्वलेंट है वी के सो इस पॉइंट से हमारे पास बी डी की वैल्यू आ गई दैट इज वी माइनस यू सिमिलरली जो ओ सी है ओ सी इक्वलेंट है ए डी के दिस इज ए डी विच इज अ पैरल टू दिस ओ सी बोथ आर इक्वल विच मीन्स इट इज इक्वल टू टी तो चेंज इन विलोसिटी विद टाइम इज बी डी बाई ए डी विच इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी दोनों को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इट इज कम्स आउट टू बी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अब इसी फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इजिली डिराइव कर सकते हैं नाउ फॉर दिस वी विल कंसिडर्ड दिस एरिया तो जो टाइम ग्राफ का एरिया होता है इट रिप्रेजेंट द वी कैन से डिस्टेंस हेयर नाउ दिस एरिया कंसिडर्ड इज ऑफ टू पार्ट वन इज दिस ट्राइंगल एंड दिस रेक्टेंगल सो एरिया वी कैन से विच इज रिप्रजेंटेड बाई एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हेयर ठीक है रेक्टेंगल ये वाला रेक्टेंगल ओ सी डी ए वाला ठीक है ओ सी डी एरिया ऑफ रक्टेंगल ओ सी डी ए विच इज इक्वल टू लेंथ इन टू ब्रेथ तो ये लेंथ हुआ और ये ब्रेथ है क्योंकि दोनों आपस में पैरल हैं विच कम्स आउट टू बी लेंथ इज टी ब्रेथ इज यू तो इसे हम यू टी भी लिख सकते हैं इट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज यू इंटू टी दैट इज लेंथ इन टू ब्रेथ नाउ ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस अब बेस इस ट्राइंगल का दैट इज ए डी बी ट्राइंगल कौन सा ए डी बी इसका बेस क्या हुआ ए डी दैट इज टी अब इसकी हाइट क्या है हाइट अगेन इज दिस बी डी है और बी डी की वैल्यू अभी हमने पीछे निकाली थी बट वी विल राइट डाउन हेयर बी डी और बी डी किसके इक्वल है अगेन आई एम राइटिंग हेयर बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी सो बी डी विल बी बी सी माइनस डी सी दैट इज वी माइनस यू इज इक्वल टू बी डी हेयर तो अब इस बी डी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे बी माइनस यू और इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी माइनस यू किसके इक्वल है ए टी तो अब इस बी माइनस यू की जगह आई कैन इजिली पुट हेयर ए टी एंड देन ए इंटू टी into t will become a t square. So now this is the second equation of motion, which is equal to s is equal to u t plus half a t square. बहुत easy है आपने velocity time graph का जो area है वो represent करता है distance को तो ये sum हुआ area of rectangle plus triangle. तो इन दोनों को हमने sum किया तो ये हमारे पास आ गई second equation of motion here.

हाफ इंटू सम ऑफ द पैरल साइड तो सम कौन है बी सी है और दिस ओ ए बी सी एंड ओ ए सम ऑफ द पैरल साइड इन टू हाइट अब हाइट क्या है स्टेपीजियम की दिस ए डी इज द हाइट अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे हम ठीक है सो इट इज हाफ बी सी क्या है यहाँ पे अगेन अब यहाँ पे हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली बी सी वैल्यू क्या थी वी और ओ ए की वैल्यू क्या थी है यू अब ए डी क्या है ए डी हाइट है हाइट विच इज टी हेर अब अगेन हमें जो इक्वेशन डिराइव की थी वो यूज करनी है इस इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं टी को ऊपर ले गई तो अब ये रिप्रेजेंट हो जाएगा टी इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए तो इस तरह से हम टी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो अब यहाँ एस t की जगह मैंने वैल्यू पुट की v माइनस यू बाई ए ना दिस इज ए प्लस बी दिस इज ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विल बी ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर तो ये फाइनल इक्वेशन बन गई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अब ये जो टू ए है इसको दूसरी साइड ले जाएंगे और यहाँ पे ऑलरेडी एस प्रेजेंट है सो नाउ इट विल बिकम बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो सेम इक्वेशन से बनी बस इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था अब हमने कंसिडर करना है एरिया ऑफ ट्रेपिजियम फॉर सेकेंड इक्वेशन हमें कंसिडर करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस ट्राएंगल फॉर फर्स्ट इक्वेशन वी हैव टू ओनली कंसिडर द स्लोप एंड वॉट डू मीन बाय द स्लोप इज एक्सेलरेशन विच इज चेंज इन विलोसिटी और चेंज कितना हुआ यहाँ पे दिस दिस पार्ट एंड विच इज कैलकुलेटेड बाई वी माइनस यू इसे आप बिल्कुल ईजी फॉर्म में ये कर सकते हैं सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस सो इफ देर इज एनी डाउट कोई अगर सेक्शन समझ नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई करें